नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मैजिकल हर्ब के बारे में, ऐसी हर्ब जो हम सबकी किचन, हमारी रसोई का एक बहुत अटूट अंग है। जी हाँ, हम बात करेंगे हल्दी का। हल्दी अपने स्वास्थ्य वर्धक गुणों के वजह से और सौंदर्य बढ़ाने वाले गुणों की वजह से हजारों सालों में आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही गुणकारी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकोडर्मा पेशेंट्स के लिए, यानी कि सफेद दाग के मरीजों के लिए, हल्दी क्यों स्पेसिफिकली बहुत फायदा करती है। आइए शुरू करते हैं। हल्दी को अंग्रेजी में करकुमा लौंगा बोला जाता है। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। मैं आपको एक एक करके इसके गुणों के बारे में बताती हूँ। इसका सबसे पहला गुण है ये एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी इंफ्लामेशन होती है, जहां पर भी हमारे शरीर में जैसे ही कोई प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, सबसे पहले वहां हमारे सेल्स में इंफ्लामेशन शुरू होती है। हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, इस इंफ्लामेशन को खत्म करती है। जो इन्फ्लामेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये उन एंजाइम्स को रोकती है। इसलिए अगर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो तो ये दी जाती है। इसलिए जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर में दर्द भी होने लगता है। एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से हल्दी जो है बहुत अच्छी पेन किलर भी है। ये एक ऐसी पेन किलर है जिसका कोई नुकसान नहीं है। आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, हमारे घरों में जो बड़े बूढ़े हैं वो हमेशा बताते हैं कि अगर चोट लग गई है तो आप हल्दी का एक चम्मच जो है वो दूध में डालकर इस्तेमाल करें। हल्दी के असली गुण जो है वो पाउडर फॉर्म में ही आते हैं। तो अगर आप एंटी इंफ्लामेटरी गुण के लिए हल्दी का सेवन करना चाहते हैं तो उसे चूर्ण फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यूज करें। आप उसका एक चम्मच दूध में ले सकते हैं। अगर दूध हल्का गुनगुना होता है तो ये और भी अच्छा होता है। नेक्स्ट जो फायदा हल्दी से मिलता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हल्दी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी जठरग्नि को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी पाचन जो है वो बहुत अच्छी होती है। यह हमें गैस या गैशियस जैसी और जितनी पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा दिलाता है। इसलिए भारतीय किचन में, हमारी रसोई में हल्दी जो है तकरीबन हर सब्जी में इस्तेमाल की जाती है। सब्जी में हल्दी डालने से हमें हेल्दी डाइजेशन उसका होता है और ये बहुत ही गुणकारी है। नेक्स्ट जो हल्दी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हेल्दी स्किन। हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय संस्कृति में तो शादी से पहले एक हल्दी की रस्म निभाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अगर दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाएंगे तो उनके स्किन में और निखार आ जाएगा, त्वचा निखर जाएगी। तो जी हाँ, ये हल्दी का गुण सच में बहुत इफेक्टिव है। हल्दी जो है वो ब्लड प्योरिफायर है, हमारे खून को साफ करती है। स्किन के लिए हल्दी को हम इनटेक भी कर सकते हैं, यानी कि खा भी सकते हैं, तब ये ब्लड को प्योरीफाई करती है। अगर हमें एक्ने, पिंपल्स इस तरह की शिकायत है उसे दूर करती है। अगर खुजली की शिकायत हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर हम हल्दी को लगाते हैं तो भी ये बहुत तरह से हमें फायदा करती है, ईचिंग में भी फायदा करती है। इसके अलावा जो हमारी त्वचा का निखार है उसको बढ़ाती है। बहुत सारे फेस पैक में, बहुत सारे स्किन के पैक में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारी स्किन के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी का एक और बहुत अच्छा फायदा ये है कि ये हमारी एज को भी कम करती है। जो एज के साथ स्किन में झुर्रियां आने लगती हैं, अगर हम हल्दी का निरंतर उपयोग करते हैं तो ये झुर्रियां जो है वो देरी से आती हैं, और एज रिलेटेड जो स्किन फैक्टर्स होते हैं वो हमें देरी से मिलते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी हल्दी का गुण, वो है लिवर हेल्थ। हल्दी हमारे लिवर के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर हम हल्दी का उपयोग रेगुलर तरीके से करते हैं तो आजकल जो फैटी लिवर की समस्या है, जो कि बहुत ही कॉमन है, वो नहीं होती। तो बहुत लोगों को जब मैं ये बताती हूँ तो लोग कहते हैं जी हल्दी तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन जब हम घर के मसालों में हल्दी डालते हैं तो वो हमारे पाचन के लिए तो अच्छा तरीका है, लेकिन अगर हमें लिवर को हेल्दी करना है तो हमें पाउडर्ड हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। वही आपको फायदा करेगी। या आप इसके एक्सट्रैक्ट बेसिस, इसके टैबलेट्स, इसके कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। हल्दी डिटॉक्सिफिकेशन करने की वजह से लिवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो भी हल्दी का बहुत अच्छा एक्शन है, वो है कि हल्दी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हल्दी में करकुमिन नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है,
जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। इसकी वजह से हल्दी बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जैसे कि ल्यूकोडर्मा, आर्थराइटिस, सोरियासिस, इन सब में फायदा करती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी का उपयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग हम मसाले के तौर में अपनी सब्जियों में कर सकते हैं। ऐसा करने से हल्दी हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है। हल्दी का उपयोग हम पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में लेने से हल्दी जो है वो बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हम टर्मरिक टी बना सकते हैं, यानी कि हम हल्दी की चाय बना सकते हैं। इसके लिए आपको पता होगा एक कच्ची हल्दी भी आती है जो देखने में अदरक की तरह मगर अंदर से पीली होती है। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उसे उबाल लीजिए और थोड़ी देर तक उसे उबाल कर काढ़ा की तरह बना लीजिए। अगर आप इस चाय का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने हल्दी के जितने भी गुण बताए हैं इस चाय को लेने से वो सभी गुण हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप ये सब नहीं कर सकते तो आजकल मार्केट में हरिद्रा के हल्दी के टैबलेट्स और कैप्सूल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हम भी एक बहुत कॉमन आयुर्वेदिक दवाई यूज करते हैं जिसमें हल्दी की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसे हम हरिद्रा खंड के नाम से जानते हैं। ये सफेद दाग में भी बहुत अच्छा बेनिफिट करती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी सफेद दाग के पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली क्यों बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई सफेद दाग का रोगी हल्दी का सेवन करता है तो जितने गुण मैंने बताए हैं वो तो उसे मिलेंगे ही, पर हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट करक्यूमिन पाया जाता है ये हमारे मेलानिन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, उसे बढ़ाता है। इस वजह से सफेद दाग के मरीजों में मेलानिन सिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ती है और दागों में कलर दिखने लगता है। इसके साथ साथ हल्दी एंटी ईचिंग होने की वजह से, यानी कि जो आपको खारिश या खुजली की शिकायत होती है जिसे हम कुछ भाषा में कंडू भी बोलते हैं, वो हल्दी खाने की वजह से कम हो जाती है। और कई बार कुछ लोगों की जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है हम उनको दवा लगा के धूप में जाने के लिए बोलते हैं तो उन्हें खुजली होती है और उस खुजली की वजह से उनके दाग बढ़ रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में हल्दी का इंटेक बहुत फायदा करता है। एक और टिप मैं एंड में देना चाहूंगी, वो ये कि अगर आप हल्दी का इस्तेमाल काली मिर्च के साथ करते हैं तो इसके गुण बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार हम हल्दी खा रहे होते हैं लेकिन वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित नहीं हो रही होती तो उसके गुण हमें नहीं मिल पाते। लेकिन अगर हम हल्दी के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो काली मिर्च में पाइपरिन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि हल्दी की अवशोषण पावर को यानी कि एब्जॉर्बिलिटी को 2000 टाइम्स 2000 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से अगर हम हल्दी के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हल्दी के गुण जो हैं वो पूरी तरह से मिलते हैं और उसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि हल्दी से आपको भी फायदा हो सकता है तो आप भी अपनी डाइट में हल्दी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको यकीनन फायदा मिलेगा। हल्दी की मात्रा बढ़ाने से आपको क्या फायदा हुआ ये आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताएं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और मेरी वेबसाइट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोबारा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।